राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है और दिल्ली वालों के सामने सांस लेने को लेकर के लगातार चुनौतियां बढ़ रही है। आज के सफ़र ऐप में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज का जो AQI है वो 724 है, PM10 72.4, यानी कि 72.4 जो 724 है वो बेहद ही गंभीर स्थिति मानी जाती है, बेहद ही ख़तरनाक स्थिति मानी जाती है लोगों के लिए। और इस तरह की यदि स्थिति AQI की पहुँचती है तो हेल्थ इमरजेंसी जैसी भी स्थिति बन जाती है। तो प्रदूषण का आलम यह है कि AQI इंडेक्स पे 724 दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रदूषण की वजह से जो स्मॉग की स्थिति दिल्ली में बनी है, कि आप ठीक मेरे पीछे इंडिया गेट जो है वो दिखाई, कैमरे के जरिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, विजिबिलिटी इतनी कम चुकी है कि लोगों को भी गाड़ियां चलाने में या सड़क पर चलने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। एक तो प्रदूषण की वजह से PM2.5 और PM10 की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और स्मॉग की वजह से लोगों को देखने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन यह जो प्रदूषण है इसके बढ़ने की जो मुख्य कुछ वजह है वो है कि एक तो पराली को लेकर के लगातार स्थिति इस तरह की बनती जा रही है, दूसरी जो वजह ये है कि दिल्ली में हवा की जो गति है वो बेहद धीमी हो गई है, जिसकी वजह से जो कण है वो एक जगह ठहर जाते हैं आकर करके, और नमी की वजह से वो कण जो है प्रदूषण का वो लगातार हवा में बना रहता है, जिसकी वजह से PM2.5 PM10 समेत और भी जो जहरीले कण हैं प्रदूषण के वो फिजाओं में दिल्ली के लगातार एक दूसरे जगह चल रहे हैं, और जिसकी वजह से स्मॉग की स्थिति बनी हुई है और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ प्रेरित कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।